हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं संजय दत्त जी का घर। इन्होंने मुन्ना भाई MBBS और कई बड़ी बड़ी मूवियाँ सुपरहिट की है। तो आज हम आपको संजय दत्त सर का घर दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उनका घर कहाँ पे है। गाइस, इस समय हम संजय दत्त सर के घर के बाहर पहुँच चुके हैं और उनकी बिल्डिंग का नाम है इम्पीरियल बिल्डिंग। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। गाइस, ये लोग देखिए, ये संजय दत्त सर की जो बिल्डिंग है उसी में रहते हैं। मतलब नहीं, रहते नहीं सर, काम करने गए। क्या काम था आपका? मतलब फ्रिज का काम। फ्रिज का काम। अच्छा, फ्रिज बनाने गए थे। गाइस, ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये घर, ये संजय दत्त सर का है। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये संजय दत्त सर के घर के अंदर जाने का मेन गेट है। ये देखिए, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं बाहर और इसी गेट से सभी लोग अंदर जाते हैं। और गेट के बगल में वो बोर्ड भी लगा हुआ है। गाइस, इस समय हम संजय दत्त सर के घर के बाहर ही खड़े हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में संजय दत्त सर रहते हैं। आपने उनकी एक्टिंग तो देखी हुई होगी मूवीज़ में, कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा रहा संजय दत्त सर के घर का। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है इम्पीरियल हाइट, और आप लोग देख सकते हैं गेट के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा। ये देख सकते हैं अंदर का, ये जो गेट दिख रहा है ये छोटा गेट है अंदर जाने के लिए। गाइस, आप लोगों को संजय दत्त के गेट के बगल में ही देख लीजिए, आपको कई पेड़ पौधे, घास, बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों में से कौन कौन संजय दत्त सर का फ़ैन है और उनकी हर मूवीज़ देखता है, और कौन कौन संजय दत्त सर से मिलना चाहता है? अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मुझसे जो भी मदद होगी मैं कर सकता हूँ। अगर आप मुंबई आते हैं तब मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको जाना है और इस रास्ते से होकर जाना है। आप कमेंट में जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गाड़ी गेट से अंदर जा रही है, सकते हैं कोई जा रहा है गेट के अंदर, और ये गार्ड खड़े हुए हैं। ऐसे कोई भी गेट के अंदर नहीं जा सकता है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप गेट के अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इम्पीरियल हाइट बिल्डिंग देखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही बड़ी है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। घर के चारों तरफ इतनी सजावट की गई है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध महसूस हो रहा है। संजय दत्त सर के गेट के बाहर का नज़ारे की बात करें तो ये गेट के बाहर आपको ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर आसपास भी कई घर बने हुए हैं जैसे ये। तो गाइस, कैसा लगा आपको संजय दत्त सर के घर का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस ब्लॉग में हमने आपको दिखाया संजय दत्त सर का घर। तो आप अगला कौन से सेलिब्रिटीज़ का घर देखना चाहते हैं, या शूटिंग सेट देखना चाहते हैं, लाइव शूटिंग देखना चाहते हैं, ये क्या देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम ट्राई करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर हम जाएंगे और व्लॉग वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। गाइज, ये ऐसे नहीं हो पाता, इन सभी वीडियोस बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक व्लॉग शूट हो पाता है। तो जितने भी लोग संजय दत्त सर के फ़ैन हैं, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।